सुखम दुखम तथा हृदय भेजयते ते भोगारोगाए वन <coughs> <coughs> स्वभाव लभते नहि मत्तापमान पदार्थ यथा मदन को द्रवय बपुर ग्रह धनम दारा पुत्रा मित्राणी सत्रवा स्वभा मूढ़ाशा प्रपद्यते दिग्देशे व्याग्ते समसंति नघे नघे श्वास वसाधंति देशे प्रगे प्रगे। विराधिका कथम मंत्रे जनाये परिकप्य त्र्यङ्गुलं पाति अन्पदाभ्यां स्वयं दण्डे निपात्यते रागद्वेषद्विदीर्घनेत्राकर्षणकर्मिणा जीवा जीव संसाराब्धौ वतभौ पदावर्ते पदिके वातिभायते याव तव भवन्तन्या प्रचरा विपदा पुरा दोरार्जये न स्वेरेणे नस्ये रेणे दना देना कोपी ज्वरवा ने विपत्तिमात्मनो विपत्ति मात्मनो मूडा परेसा दयमान मृगा कीणे वनातरतरोस्त आयुर्वृद्धिचयोत्कर्ष हेतु काल से निर्गम वाचिता धनना जीविता सुतराधन श्रेय से चिनोतीशरीर सपंक इस्ना सामिति विलंपति आरंभेता पिकानुवाप्ता वात्रपति प्रतिपादेकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम का सेविते सुदी भवंति प्राप्यय संगे मसुचेनी सुचेन्न्यपि सकाया संतेता तदर्थम प्रार्थना व्रता यज्जीवस्योपिकाराए तद्देहस्यापिकारिक यद्देहस्योपिकाराए तज्जीवस्यापिकारिक इतश्चिंतामणिर्दिव्य इता पिंड ध्यानेन चेदुवे

लोका लोक भी लोके स्वा संवेदन स्वंवेदन व्यक्तस सुव्यक्त सुव्यक्त आदि सातक लेना है मात्रो निरतः निरत्य अत्यन्ते 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 सौखे व अनात्मा लोका लोके विलोक नाहं स्वासंवेदनसु व्यक्तस तनुमात्रो निरत्या अत्यन्ते सौखे अनात्मा लोका लोके भी लो ना पढ़ो एक साथ आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं इसके पहले उन्होंने विवेकी की परिभाषा बताई विवेकी कौन कहलाता है सब अपने आप को विवेकी मानते हैं लेकिन सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो विवेकी वो कहलाता है जो हित अहित का विवेक रखे अच्छा बुरे का विवेक रखे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में जिसको जानकारी रहती है वही विवेकी कहलाता है आचार्य कुमोचन स्वामी ने कल्याण मंदिर स्त्रोत के अड़तीसवें नंबर के काव्य में कहा है क्या आकर्णिपि मिहि निरीक्षिपि नून न चेतसी मैया भक्ता भक्त जान जन बांधव दुख पात्रम यशमात क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य क्या यशमात् क्रिया प्रतिफलंती इसमें जो भाव शून्य का का अर्थ लिया गया है यहाँ विवेक के अर्थ में लिया गया है विवेक का अर्थ क्या है भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है मैंने आपके दर्शन किए भक्ति की पूजन किए माला फेरी स्वाद्याय किया लेकिन आज तक हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान ने चौथी लाइन में जवाब दे दिया क्या दिया कि जो कुछ भी क्रियाएं तू करता है वो सब मनमानी करता है कभी गुरु के अनुसार तूने क्रिया नहीं की जिनवाणी के अनुसार क्रिया नहीं की कभी तूने विवेक नहीं रखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस प्रकार से करना चाहिए कैसे करना चाहिए कब करना चाहिए इसके विषय में तूने ज्ञान प्राप्त नहीं किया विवेक नहीं रखा इसलिए तेरी क्रियाओं का फल तुझे प्राप्त नहीं हुआ आज तक सुन रहे हो सब लोग बहुत जबरदस्त श्लोक है जी आज तक हम लोग भी सोचते हैं कितनी क्रियाएं करते रहे बताओ कितनी मालाएं फेरी आप लोगों ने माला फेरते फेरते मालाएं टूट गईं घिस गईं शास्त्र पढ़ते पढ़ते फट गए शास्त्र पूजन करते अभिषेक करते करते मूर्तियां घिस गई घिसे के नहीं क्या आज तक किसी को छोटा मोटा देवी देवता सिद्ध हुआ हैं अंजन चोर को तो आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई जिंदगी भर पाप करता रहा और अंतिम समय में नमोकार मंत्र भी नहीं आया लेकिन नमोकार मंत्र के ऊपर उसने श्रद्धा रखी उस श्रद्धा का परिणाम हुआ जो बरसों में माला फेरने से ध्यान करने से भक्ति करने से आकाशगामनी विद्या सिद्ध होती थी, थी वो एक अंतर्मुर्त नहीं लगा आड़म ताड़म कछु न सेठ वचन परमाणम बस इतना कहना था और 108 सौ रस्सियों को काटा और आकाश को कोई छोटो मोटो देवी देवता सिद्ध भास्ता है कोई बताओ कोई को नहीं हुआ कितनी माला फैली है कितनी पूजा कितना विधान किया तो आचार्य कुमोचन स्वामी ने कह दिया जितनी भी क्रियाएं तुमने की हैं सब विवेक से शून्य होकर के की हैं ज्ञान से शून्य होकर की की के जिनवाणी के विरुद्ध में क्रिया की है गुरु की आज्ञा के बिना क्रियाएं की हैं इसलिए तुम्हें आज तक फल की प्राप्ति नहीं हुई यदि तुम क्रियाओं का फल चाहते हो तो विवेक रखो कैसे कब कब कैसे एक क्रियाएं करना चाहिए उसके विषय में यदि विवेक रखते हैं तो आप क्रिया फलदायी होती है तो यहाँ वो ही बता रहा है कि आप अपने आप को विवेक तो मान रहे हो लेकिन विवेकी मानते हुए आपके एक हाथ में चिंतामणि रत्न दे दिया है और एक हाथ में खली का टुकड़ा दे दिया है अब आप किसको चाहोगे यदि कोई भूखा प्यासा है खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा चिंतामणि रत्न लेगा कि खली का टुकड़ा लेगा नहीं खली का टुकड़ा उसे तो रत्न से कोई मतलब नहीं उसे तो अपना पेट भरना है क्योंकि कल हमने बताया था भूखा न जाने सीला भात प्यास न जाने धोबी घाट बोला था कि नहीं और नींद ना जाने टोटी खात और कामी ना जाने जात को जात यदि किसी को भूख लगी है और ज़बरदस्त भूख लगी है तो ये नहीं देखता है कि गीला भात है कि सूखा भात है कि इसमें नमक डला है कि नहीं डला है घी डला है कि नहीं गर्म है कि ठंडा है, है कोई मतलब नहीं उसे तो अपने पेट भरने से मतलब है उसी प्रकार से जो भूखा प्यासा है उसको यदि खली का टुकड़ा भी दे दो जहर भी दे दो तो वो उस जहर को खा करके अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है लेकिन जिसके पास पेट भरा हुआ है तो फिर वो विवेक रखता है सोचता है विचार करता है क्या करूं, किस प्रकार से करूं। तो वो सोचता है कि जो चिंतामणि रत्न मिला है उसी को प्राप्त कर लो क्योंकि तीन चार वस्तुएं होती है एक चिंतामणि रत्न होता है एक काम धैनु होती है एक कल्प वृक्ष होती है और एक मणि होती है जो सब अचेतन है अचेतन होते हुए भी ये चेतन जीवों के संतुष्टि कर एक बहुत चिंतन चलता है पंडित जी कि हैं चेतन हो करके चेतन को समझा सकते हैं और उनको सुधारने का प्रयत्न करता है लेकिन अचेतन होकर के वो चेतन को सुधारे ये बहुत असंभव है बहुत असंभव क्योंकि वो अचेतन है उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है समझाने बुझाने की शक्ति नहीं है लेकिन हमने अधिकांश देखा है कि अचेतन होकर के चेतन के ऊपर प्रभाव डालता है अब मंदिर में भी मुद्रा रखी है भगवान की सुना है वित्राग मुद्रा को देख करके कई लोग सम्यक दर्शन को धारण कर लेते अरे मनुष्य तो छोड़ो त्रयंच भी उस वीतराग मुद्रा को देख करके और सम्यक दर्शन धारण करके अपना भाव सुधार लेते अब वो बोल रही है मुद्रा उपदेश दे रही है समझा रही है बुला रही है कुछ भी नहीं कर रही है और अचेतन है अजीब है अचेतन और अजीब हो करके के भी वह लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करे और पदम सागर इतना समझा रहे इतनी गर्मी में भूखे प्यासे हो के बताओ एक आध को सम्यक दर्शन प्राप्त हो हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज तीन तीन क्लास ले रहे हैं घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास ले रहे हैं बताओ असर हो रहा है यहां तो अचेतन मूर्ति को देख करके एक और चिंतन चलता है पंडित जी बैठे हैं ये पंचकल्याणक करवाते विधान करवाते और पंचकल्याणक के माध्यम से धातु की उपासना की मूर्तियों को पांच दिन में भगवान बना देते हैं और यहाँ सुदास सागर जी और सागर हैं क्या कर रहे हैं कितने आज छठवा दिन हो गया है एक आद को कोई को भगवान बनाया अरे भगवान छोड़ो इंसानी बन जाए मानव बन जाए वहाँ पाषाण की मूर्ति भगवान बन गई पांच दिन के उसमें बताओ प्राण प्रतिष्ठा हो गई उन मूर्तियों में प्राण फूके जाते हैं और प्राण फूकने के बाद में वो जीवंत मूर्ति कहलाती है ये विचारणी विषय है सोचने के हमारे अंदर बुद्धि है ज्ञान है विवेक है सब कुछ होते हुए भी और हम कुछ नहीं कर पा रहे अभी यहाँ चिंतामणि रत्न है अचेतन है कि चेतन है अचेतन है पारसमणि रत्न चेतन है कि अचेतन है कल्प वृक्ष चेतन है कि अचेतन है अचेतन है अब कामधेनु कहते हैं कि देवों की गाय कहलाती है उसके सामने भी मनोकामना रखो पूर्ण करती है अभी ये अचेतन पदार्थ होकर के भी आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं लोहे को स्वर्ण बना देती है क्या पारस मणि लोहा चेतन है क्या अचेतन है और पारस मणि चेतन है क्या अचेतन है अचेतन अचेतन के ऊपर प्रभाव डाल करके और उसको मूल्यवान बना देता है और यहाँ पर चेतन हो करके और हम चेतन को नहीं सुधार पा रहे ये हमारी कमजोरी है हमारी है आप लोगों की नहीं कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी है कि इतना उपदेश देने के बाद में भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ऐसे ही है ना नहीं? तो दूसरा श्लोक याद रखो योग्योपादान योगे ने दृश्य स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मत कहीं ना कहीं या तो निमित्त में कमी है या उपादान में कमी है अब क्या करना है तो आपने क्लास पढ़ी है इस क्लास को पढ़ कर के चौबीस घंटे में आपको पाँच मिनट निकालना है और एकांत स्थान पर बैठ कर के पैर पर पैर हाथ पर हाथ और आंख पर आंख रख के कुछ नहीं करना नड़मो कार मंत्र की माला फेरना है और ना पंच परमेश ना बड़े बाबा का ध्यान करना कुछ भी नहीं करना है बस ये पाँच मिनट में विचार करना है कि हमने शिक्षण शिविर में जो पढ़ाई की है उसको अपने जीवन में कितने अंश में उतारा है और नहीं उतार पाए तो जीवन में उतारना है कि नहीं उतारना और इसके माध्यम से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा जे चिंतन करना है बस कुछ नहीं करना आपका कल्याण हो जाएगा पांच मिनट का चौबीस घंटे में पांच मिनट का आप कुछ नहीं है। बस शरीर को स्थिर करो रीढ़ की हड्डी को सीधा करो आंखों की पलकों को झुकाओ बंद करोगे तो नींद आ जाएगी खोल करके बैठोगे तो दुनिया झलकेगी इसलिए ना खोलना है और ना बंद करना है बस झुकाना है और फिर चिंतन करो और मनन करो सब समझ में आ जाएगा तो फिर क्या चाहिए चिंतामणि रत्न चाहिए है कि खली का टुकड़ा चाहिए है हाँ ऐसे कहवे से न मिले मेहनत करना पड़ेगी पुरसार्थ करना पड़ेगी क्लासों में आना पड़ेगी अभिषेक के समय पर आना पड़ेगा पूजन पाठ करना पड़ेगी माला फेरना पड़ेगी तब जाकर के चिंतामणि रत्न मिलेगा और चिंतामणि रत्न मिल गया तो समझ लो तुम जो स्वर्ग में सुख नहीं मिलने वाला है वो यही मिल जाएगा क्योंकि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है सब चिंताओं को दूर करने वाला है अब क्या है सब कुछ हमने पढ़ लिया अब बोल रहे हैं बहुत हो गई पाँच छः दिन तक फेंको लाजी जी ही लाजी हैं क्यों पंडित साहब हमने यहाँ सुना है वैसे सागर में हम पढ़े हैं तो कहते हैं सुना है सागर में सब सब्जेक्ट चलते थे मतलब जबलपुर है इंदौर है भोपाल में जितने सब्जेक्ट नहीं होंगे उससे कई गुने सब्जेक्ट सागर यूनिवर्सिटी में थे और यहाँ पर भी हमने पंडित जी से पूछा तो इनने बता दिया हम जहाँ पढ़ाते वहाँ सब सब्जेक्ट हैं लेकिन उनने दो सब्जेक्ट नहीं बताए यहाँ एक्स्ट्रा में दो सब्जेक्ट चलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलते चलते होंगे लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन से हैं दो सब्जेक्ट एक तो यहाँ फैकोलाजी चलती है फैकोलॉजी जानते हो अभी तक तो हमने बायोलॉजी सुनी थी केमिस्ट्री सुनी थी एंथ्रोपलॉजी सुनी थी मैथामेटिक्स से फिजिक्स से आदि सुनी थी लेकिन जी कौन सा नया सब्जेक्ट है फेंकोलॉजी क्यों मोहित जी मोहित जी नहीं पढ़े यहाँ इनको नहीं मालूम है दवा वाले पंडित जी बताएंगे और दूसरा है बीके जे के हाँ बी के जे के माने बातों का जमा खर्च बस खूब लंबी लंबी दे जा रो। कभी कभार तो हम लोगों के सामने आते हैं तो जे हमारा हाथ अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लगता है ये क्या है जब पतंग ऊंची उड़ जाती है वो दूसरी पतंग आती है तो फिर वो क्या करता है ऐसे ऐसे गिर नहीं मिलती तो वो हाथ ही में ऐसे ऐसे लपेटने लगता है ऐसे ही कोई लंबी लंबी फेंकता है तो हमारे हाथ हिलने लगते हैं ऐसे लपेटना प्रारंभ कर देते ऐसे ही है ना हैं हैं हाँ देखो मोहित जी ने कह दिया कि दमोह में मालूम है जी कौन है तहसीलदार जी हैं हाँ तो इन्हें पूरा हिसाब किताब मालूम है कि दमोह में कौन व्यक्ति कैसा है किस प्रकार से ऐसे ही है अब क्या सांप गया बताओ सही बताओ नहीं है ना फैकोलॉजी वाले नहीं है फिर क्या है करने वाले होना चाहिए जो करते हैं कहते हैं करते नहीं ऐसे लोग अनेक और करते हैं कहते नहीं वे लाखों में एक जैन दर्शन कहने पर नहीं करने पर विश्वास करता है क्या सुना कहने पर नहीं करने पर विश्वास करता है इसलिए जब कहीं हम चातुर्मास करते हैं या ग्रीष्मकालीन करते हैं शीतकालीन तो हमारे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा दो बाई दो का फ्लैक्स लगा रहता है ये नहीं लिखा रहता है कि पदम सागर यहाँ विराजमान है उसमें लिखा रहता है कि हमारे कमरे में वो ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो ज्ञानचंद, सलायचंद, रायचंद हुकुमचंद ना हो कर्मचंद हो काम करने वाला हो वो ही व्यक्ति हमारे कमरे में प्रवेश करे आज सलाय चंद, राय रायचंद हुकुम चंद ज्ञान चंद बहुत मिल रहे हैं दुनिया में लेकिन कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं अब पढ़ाई करने वाले शिविर में बैठने वाले आप हजारों लाखों की संख्या में मिल रहे हैं लेकिन उसके बाद में आपने क्या ग्रहण किया है जीवन में कितना उतारा है कितना समझा है इसको धारण करने वाले बहुत कम मिलेंगे देखना आप परखना महाराज जी से हम कह देंगे परीक्षा लो महाराज जी इन लोगों की कि पढ़ा तो बहुत है बहुत रट लिया है लेकिन जीवन में कितना उतारा है अब कल ही परीक्षा हो गई महाराज श्री ने कहा था ना वो भूत भूतभ्यंतर वगैरह के पूजा पाठ अगरबत्ती श्रीफल माथा टेकने वाले कितने हैं अब उठा तो दिए लोगों के देखते देखते क्योंकि वीडियो बन रही है तो सबने उठा दिए लेकिन अंतरंग में कितने थोड़ी सी कोई दुख तकलीफ आ जाए तुरंत दौड़ लग जाएगी फिर महाराज का नियम भी भूल जाओगे भगवान को भी भूल जाओगे सब कुछ भूल जाओगे इसलिए कहना नहीं करके दिखाना है जो भी हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से तो नहीं उतार सकते हैं लेकिन जितना बन सकता है उतना उतारने की कोशिश करना चाहिए इक्कीसवीं नंबर की गाथा में क्या कहा है स्वसंवेदन उच्चारण करवा दिया स्वसंवेदन क्या है स्व माने अपनी आत्मा का संवेदन करना अपनी आत्मा को पहचानना हमारी आत्मा कैसी है कैसी रूप रंग वाली है हैं उसमें वजन है कि नहीं है उसमें गुण है कि नहीं है उसमें कौन सा कलर है कौन सा स्वाद है इन सब के विषय में जानकारी लेना अभी तक तो हमने बाह्य पदार्थों के विषय में खूब जाना लेकिन जिसके माध्यम से बाह्य पदार्थ जाने थे उसको आज तक जानने की कोशिश नहीं की क्या सुना संसार के जितने भी पदार्थ थे हमने सबको जान लिया किसके माध्यम से जाना आत्मा के माध्यम से जाना तो क्या आज तक आप लोगों ने आत्मा को जाना नहीं जाना जिसके माध्यम से जाना उसको आज तक हम नहीं पहचान पाए तो क्या मतलब ऐसा अब जानना तो है तो आचार्य महाराज कहते हैं कैसे जाने आत्मा यह आत्मा है यह अनुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है अनुभव के द्वारा बोलने से नहीं कहने से नहीं बताने से नहीं अनुभव के द्वारा स्पष्ट जानी जाती है और क्या है तनु मात्रा आत्मा के विषय में बताया जा रहा है यदि हम नहीं जान पाए तो कम से कम सुन तो लो तनु, मात्रा हा। तनु माने होता है शरीर और शरीर के मात्रा माने बराबर शरीर के बराबर है ये आत्मा निरत्या निरत्या माने अविनाशी है चाहे शरीर में आग लग जाए चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अविनश्वर है नाश को प्राप्त होने वाली नहीं और क्या है अत्यंत सौख्य बण अत्यंत सुख वाली है कौन आत्मा कौन की क्या हमारी सबकी आत्मा इस सबके विषय में बताया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहा है संसार में जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी जीव हैं चाहे वह निगोदिया हो चाहे एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री हो चार इंद्री पंच इंद्री मनुष्य हो त्रियंश देव हो संसार में जितनी भी जीव हैं उन सब जीवों की आत्मा कैसी होती है स्पष्ट झलकती है जब वो ध्यान में बैठता है तो उसके ज्ञान में वह आत्मा स्पष्ट झलकती है और शरीर के बराबर झलकती है जितना बड़ा शरीर है उतनी ही बड़ी आत्मा है और अविनाशी है नाश होने वाली नहीं चाहे काटो चाहे पीटो चाहे मारो चाहे तोड़ो चाहे फोड़ो कुछ भी इस आत्मा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला और अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है जिसने आत्मा को जान लिया है उसको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई और ऐसा सुख ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से तीनों लोगों के चरा चर पदार्थ एक साथ स्पष्ट रूप से तीनों कालों संबंधी अनंत पर्यायों को लेकर के एक साथ झलकने लगते हैं ऐसी यह है आत्मा है अब देख लो तुम्हारी आत्मा है ऐसी है हमारे पीठ पीछे कौन बैठा वो तो दिख नहीं रहा तीन लोग के पदार्थ कैसे जा? सामने कौन बैठा वो देख नहीं रहा अरे महाराज सामने तो हमें दिख रहे हैं पदम सागर बैठे ये तो सब कहने की बात है सामने दिख रहा है चूका चौका चूलो बाल बच्चे दिख रहे हैं कब क्लास छूटे और कब घर जाए बोलो हो रहा कि नहीं हैं या कब क्लास छूटे कब बड़े महाराज जी की क्लास में हम बैठे भले ही आपकी आंखें खुली हैं क्योंकि किसी फिल्म का डायलॉग है जिसकी आंखों में कोई समाया रहता है तो सामने वाला दिखाई नहीं देता है ऐसा कुछ सुना है किसी ने बताया हमने देखा तो नहीं वो पिक्चर जिसकी आंखों में कोई समाया रहता है कोई अन्य व्यक्ति समाया रहता है तुम लाख कोशिश करना उसके सामने खड़े हो जाना बात करना सब कुछ करना लेकिन वो आपकी बातों पर गौर नहीं करेगा आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा क्योंकि इसका दिमाग उसका ध्यान कहीं और है अब यदि तुम्हें शरीर की ओर ध्यान रखना है तो बात दूसरी लेकिन आत्मा की ओर ध्यान रखना है तो आत्मा की इन लक्षणों को पहचानना होगा आत्मा को तो आत्मा को तो पीड़ा हो ही रही शरीर के माध्यम से हो रही है यदि आत्मा को पीड़ा नहीं होती और शरीर को पीड़ा होती तो मुर्दा को अपन जलाते हैं तो उसको चिल्लाना चाहिए आत्मा के माध्यम से ही शरीर में पीड़ा हो रही है आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर को काटो पीटो मारो पी कुछ भी नहीं होने वाला और शरीर है तो आत्मा को अनुभूति हो रही है अब जैसे आत्मा ने एक शरीर को छोड़ा और दूसरी शरीर में पहुंच रही है तो बीच का जो समय है उसमें आत्मा को मार सकते हैं पीट सकते हैं काट सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते उसको भी कुछ अनुभूति नहीं होगी अनुभूति कब होगी जब शरीर का संपर्क होगा तो आत्मा और शरीर जब दोनों मिल जाएंगे तब सुख दुख की अनुभूति होगी अकेले नहीं हो सकती है ना आत्मा को अकेले हो सकती है और ना शरीर को अकेले होगी। जब दोनों की पर्याय मिल जाती हैं तब जाकर के सब अनुभूति होती है तो आगे समझ में आत्मा शरीर के विषय में तो आपने जाना और कैसे है शरीर के बराबर है आत्मा हालांकि ये स्टोपदेश में कहा है लेकिन द्रव्य संग्रह में कहा किंचूणा चरम देह दो शुद्धा यह जो आत्मा होती है हमारा जो शरीर है वर्तमान का शरीर है उस वर्तमान के शरीर से किंचूणा थोड़ी कम है आत्मा का आकार कैसे समझाओ हमें नहीं समझा पाए तो जैसे मूर्ति का ढांचा है अब मूर्ति का ढांचा नहीं देखा है गुजिया देखा है गुजिया बनाते हो आप मावा का गुजिया बनते हैं आजकल कछु नहीं बनते सब बाजार से आते हैं रेडीमेड है आगे। बनते हैं? तो सांचा आता है पेटी जैसे रहते हैं ऐसे साँचा रहता है और साचा के अंदर आप मसाला भर देते हैं और मसाला भर करके खोल करके उसको निकाल लेते हैं अब दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई नापो साचा की और गुजिया की थोड़ी कम रहती है कि नहीं तो साचा बड़ा होता है कि गुजिया बड़ी होती है साचा बड़ा होता है और छोटा कौन होता है? गुजिया, गुजिया। उसी प्रकार से अपना शरीर साचा है और इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो गुजिया है तो शरीर बड़ा रहेगा और आत्मा छोटी रहेगा भले ही याष्टोपदेशकार ने बता दिया तनु मात्रा शरीर के बराबर लेकिन द्रव्य संग्रह कार ने कहा है कि आत्मा किंचूणाच किंचूड़ा माने कुछ कम जो मूल शरीर रहता है उससे कुछ कम रहता है आगे देखते हैं अनुभव तो वो ही कर सकता है जिन्होंने सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया है परिग्रहधारी कभी भी अनुभव नहीं कर सकता है जो कंजाइश क्या कहते हैं है हमें मणि महाराज जी हाँ कूलर में बैठे हैं सोफा सेट पर बैठे हैं ऊपर पंखा चल रहा है चाय की उसकी ले रहे हैं और समयसार हाथ ग्रंथ में लेकर क्या आत्मा है क्या रस आ रहा है कितनी सुंदर आत्मा ऐसे करते ना है भले ही वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कब आएगा आत्मा का अनुभव जब आप मुनि बनेंगे संपूर्ण परिग्रह का त्याग करेंगे महाव्रतों को धारण करेंगे छठ में सातवें गुणस्थान में पहुंचेंगे, छठवें में भी नहीं जब सातवें गुणस्थान में पहुंचेंगे, जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे बिना मुनि बने कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता ज्ञान तो हो सकता है पढ़ सकते हैं जान सकते हैं अब जयी तो बता रहे हैं स्टोपदेश के माध्यम से आत्मा कैसी होती है अविनशर होती है आत्मा कैसी होती है तनु मात्रा शरीर के बराबर आत्मा कैसी होती है अनंत सुख वाली आत्मा कैसी होती है लोक अलोक को जानने वाली होती जिस सब हमने पढ़ लिया लेकिन जाना नहीं अनुभव नहीं किया अनुभव कब होगा जब मुनी बनने के बाद में अनुभव होगा कहीं जलेबी की कहीं रसगुल्ला की कहीं पुड़ी बनने की, आ रही है कि नहीं तो यहाँ से आते हैं यहाँ भोजनशाला है बस उसकी गंध आती है बस उसको देख करके लाल टपकने लगती है कछु तो पहुँच पाँच लेते हैं कचू टपका नहीं ऐसा नहीं होता तो सुगंधी और दुगंधी घृण इंद्री अब चाहे मगध के लड्डू बने और चाहे कुछ भी बने हमें तो क्लास में पहुंचना है तो कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं तो घ्राण इंद्री कंट्रोल हो गई कि नहीं होती कि नहीं बोलो अभी नहीं वही हो तो अभी जाकर के देख ली सुगंधी आती है घृण चक्षु इंद्री चाहे काला हो पीला हो नीला हो हमें कोई मतलब नहीं और कर्ण इंद्री चाहे फिल्मी गाना हो रहे हो और चाहे भगवान का भजन पूजन हो रहा हो कोई मतलब नहीं हमें तो अपनी आत्मा से मतलब है पांचों इंद्री कंट्रोल हो गई लेकिन पांचों इंद्री का जो बाप है मन उसको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है। यदि वो कंट्रोल हो गया तो पांचों इंद्रियाँ अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी इसलिए उनने कहा चित्त की एकाग्रता से चित्त माने क्या मन अब पांचों इंद्री तो कंट्रोल कर ले, लेकिन मन फिरे फिर बाजार में अब मन फिर रहा है कहीं घर में फिर रहा है कहीं दुकान पे जा रहा है बैठे थे क्लास में है और कहाँ फिर रहा अभी हम पूछा पाछी करें ना कोई जवाब नहीं दे सकता है क्यों बैठे भले ही है लेकिन मन कहीं और जा रहा है इसलिए उनने कहा चित्त की एकाग्रता पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो और चित्त को एकाग्र करो मन को एकाग्र करो फिर क्या होगा आत्मा में स्थित होंगे और जब आत्मा में स्थित होंगे तो हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं शरीर के माध्यम से आत्मा का चिंतन नहीं होगा आत्मा का चिंतन आत्मा से ही होगा और दूसरों की आत्मा से नहीं होगा स्वयं की आत्मा से होगा इसलिए उन्होंने कहा आत्मनाव आत्मानम धायेत। अपनी आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन होता है दूसरे की आत्मा से अपनी आत्मा का चिंतन नहीं होता है। तो सबसे पहले आत्मा का चिंतन है। पहले तो उन्होंने बता दिया आत्मा ऐसी ऐसी है अब आत्मा का चिंतन कैसे करें? तो उन्होंने कह दिया कि पहले तो आप पांच इंद्री को कंट्रोल करो इसलिए आचार्यमा स्वामी ने कह दिया छठवें अध्याय के पहले ही सूत्र में कहा क्या कहा पंडित जी काय वांग मना कर्मी होगा हमें ऐसा लगता है कि उमा स्वामी बीच बीच में सो जाते थे नींद लग जाती थी उनकी अभी तक बरसों हमें पढ़ते आ गए कि मनो गुप्ति बचन गुप्ति काय गुप्ति मन शुद्धि बचन शुद्धि काय शुद्धि कहते आए कि नहीं पहले किसको रखा मन को दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे काय को और आचार्य उमा स्वामी ने उल्टा लिख दिया काये वांग मना कार में होगा उन्होंने शरीर पहले रख दिया फिर वचन बीच में रखा और मन को बाद में रखा कुछ नींद सी लग गई थी साय या यहाँ वहाँ दिमाग उनका दौड़ गया होगा इसलिए वे भूल गए होंगे है? नहीं ऐसा नहीं आचार्यों का मन बहुत एकाग्र होता है बहुत सावधानी पूर्वक लिखते हैं पढ़ते हैं कहते हैं फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा कि पहले शरीर को कंट्रोल करो जब तक शरीर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका वचन नहीं होगा और वचन नहीं होगा तो मन नहीं होगा पहले शरीर को स्थिर करो तो कैसे करें क्लास में बैठे हो पूजन में बैठे हो माला फेर रहे हो तो शरीर को स्थिर करो कोई भी एक आसन लगाओ चाहे सुखासन लगाओ पालती मारकर बैठो चाहे अर्धासन लगाओ और चाहे पद्मासन लगाओ पहले एक आसन का अभ्यास करो रीढ़ की हड्डी को सीधा करो नींद क्यों आती है इसी कारण से हो आती है झुक कर के हम बैठते हैं सहारा लेकर के बैठते हैं दीवार आदि का एक मिनट नहीं लगेगा नेत्रा देवी आकर के आपको सताने लगेगी और ज्यादा तन्ना नहीं क्या ऐसे बैठ गए या ज्यादा झुकना नहीं ना ज्यादा झुको और ना ज्यादा तनो बिल्कुल सिंपल उसमें सीधी रीढ़ की हड्डी को करो और आंखों की पलकों को ना बंद करो और ना खोलो बस और पैर पर पैर और हाथ पर हाथ दर करके बैठो देखो फिर कोई भी चीज नहीं झलकेगी आप देख लो अभी प्रैक्टिकल कर को पलकों को थोड़ा झुका लो जे नाक की टुंडी है यहां पर लगा करके देखो हम दिख रहे हैं सामने वाला दिख रहा है आजू बाजू वाला दिख रहा है बंद नहीं करना है दिख रहा है कुछ भी नहीं दिखता है बस मन कंट्रोल हो जाएगा इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए पहले शरीर को स्थिर करो जब शरीर स्थिर हो जाए तो फिर संकल्प लो जब तक मेरी पूजन पूर्ण नहीं होगी जब तक हमारी माला पूर्ण नहीं होगी तब तक हमारा मौन है ना हम इशारा करेंगे ना हुआ करेंगे ना कुछ करेंगे अखंड मौन धारण करेंगे ये वचन सिद्ध हो गया काय सिद्ध कर लिया काय के बाद वचन सिद्ध हो अब जब काय और बचन सिद्ध हो गया तो मन को अपने आप कंट्रोल होना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात है सिल्फर हो बार बार अभ्यास करो आज पांच मिनट के लिए आप आसन लगाओ कल दस मिनट के लिए परसों पंद्रह मिनट के लिए धीरे धीरे अभ्यास करो और एक दिन आएगा कि ढाई घंटे की सामायिक एक ही आसन से आप कर सकें आज पांच मिनट के लिए मौन लो कल दस मिनट के लिए मौन लो और एक दिन ऐसा होगा कि आप जीवन पर्यंत भी मौन बने रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ होने वाली और जब वचन कंट्रोल हो गया और शरीर कंट्रोल हो गया तो मन फिर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा करने की आवश्यकता नहीं इसलिए आचार्यो मास्वामी ने गलत सूत्र नहीं दिया बहुत सही और सटीक सूत्र दिया हम क्या करते हैं मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तीन काल में संभव नहीं पहले शरीर को कंट्रोल करो बचनों को कंट्रोल करो और फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करो तो यहाँ वो ही कह रहे हैं कि यदि तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान जो विधि बता रहे हैं आत्मा के ध्यान करने की विधि बता रहे हैं कैसे करना है तो हमने बता दिया पहले पांच इंद्रियों की जो चंचलता है उसको स्थिर करो स्पर्श इंद्रिय को रसना इंद्रिय को घ्राण इंद्रिय को चक्षु इंद्री को और कर्ण इंद्री को स्पर्श कर उनको सहीमित करो फिर मन को कंट्रोल करो देखो यहाँ पे आ गया पांच इंद्री को पहले कंट्रोल करने के लिए कहा फिर उसके बाद में चित्त को कंट्रोल करो फिर उसके बाद क्या होगा आत्मा आत्मा में स्थित होकर के आत्मा को जानेगी पहचानेगी अरे समझ में नींद तो नहीं आ रही है बोर तो नहीं हो रहे नहीं तो पानी निकलने लगे बोर में से पानी निकलता है हैं इसलिए हमें डर रहता है कहीं आप लोग बोर ना होने लगे पानी निकलने लगे अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाती यू यशस्ती सो प्रसिद्धमेदम् बचः सो प्रसिद्धमेदम् बचः अज्ञानो अज्ञानो वास्तिः वास्तिः ज्ञानी समाश्रयाः 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 ददाति यत्तु हाँ डबलता है यत्तु यस्यास्ति यस्यास्ती सो प्रसिद्ध मिदं बचा अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम् ज्ञानम् ज्ञानी समास्त्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सो प्रसिद्धमिदं बचा पढ़ो क्या कहा है शीर्षक में जो है उसी का दान करना चाहिए जो नहीं है उसका दान नहीं करना चाहिए बहुत बढ़िया हमने कहा एक एक गाथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र है जो जी जीवन में उतारने के लिए पढ़ने मात्र के लिए नहीं है जीवन में उतारने के लिए क्या कहा अज्ञानो पास्ती जो अज्ञान की उपासना करने वाला है अज्ञानी की उपासना करने वाला है सेवा करने वाला है वो अज्ञानम अज्ञान ददाती माने देता है अज्ञानी के पास में अज्ञान मिलेगा ज्ञानी समस्या और ज्ञानियों की उपासना करने वाले को सेवा करने को क्या मिलता है ज्ञानम ददाती ज्ञान प्राप्त होता है इदम बचा यह जो बात है सुप्रसिद्धम यह बात प्रसिद्ध है यस जिसके पास यत्तू माने जो होता है ददाती माने देता है बहुत सरल और सिंपल भाषा में कह दिया क्या जिसके पास जो चीज़ है वो ही देगा अब कपड़े वाले के पास में जाओ और उससे कह दो हमें कुकर चाहिए है बाल्टी चाहिए है, है? और सोने चाँदी वाले के पास में जाओ कह दो तो हमें एक किलो गेहूँ चाहिए ज्वार चाहिए बाजरा चाहिए लौकी चाहिए तो सोने चाँदी वाले क्या देगा सोना चाँदी देगा बर्तन वाला क्या देगा हाँ कपड़ा वाला क्या देगा कपड़ा देगा जिसकी जो दुकान है वो ही देगा कपड़ा बाला बर्तन नहीं दे सकता बर्तन बाला सोना चांदी नहीं दे सकता है जिसके पास जो है उसी प्रकार से कोई अज्ञानी है मूर्ख है, है तो क्या है ज्ञान देगा कि अज्ञान दे देगा अज्ञान, अज्ञान देगा कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते हों ऐसी कहावत चलती है यदि मूर्ख से मूरख मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा मारा पीटी होगी और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि नहीं हम हाँ ज्ञानी हैं कि नहीं और आप ज्ञानी हैं कि नहीं हैं तो ज्ञानी से ज्ञानी मिल रहे हैं कि नहीं हैं और आप ज्ञानी होते और हम अज्ञानी होते तो लड़ाई झगड़ा होता मन नहीं महाराज जी ऐसा नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं आप गलत कह रहे हैं उसमें तो ऐसा लिखा लड़ाई झगड़ा हो जाता तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हो अच्छी अच्छी बातें होती है होती कि नहीं होती है तो जिसके पास जो चीज होती है वह व्यक्ति उसी वस्तु का दान देता है और जिसके पास कुछ नहीं है वो नहीं देता अब हमारे मंदिरों में भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए बनिया कम क्यों आते हैं कभी सोचा विचार किया है जी गाथा घटित तो होती है अब भगवान के पास बनिया इसलिए नहीं आते हैं भक्ति पूजन करने के लिए नंगे है निचोड़े का अब भगवान के पास खुद मा... रहने के लिए नहीं है खाने पीने के लिए नहीं है ओढ़ने पहनने के लिए नहीं है नंगे है वे तुम्हारों को का हैं बताओ अब तुम्हें चाहिए है कि भगवान हमारा मोड़ा मोड़ी हो जाए अब भगवान को खुद ब्याह नहीं भाव उनके खुद मोड़ा मोड़ी नहीं है तो भाई तुम्हें क्या दे दें क्यों भैया मोहित जी है अब भगवान से कहा हमें मकान मिल जाए तो वे खुद किराए के मकान में मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में रह रहे उनको खुद मकान नहीं है तो वे तुम्हें कैसे दे दें भगवान हमारी बच्ची की शादी हो जाए भगवान दे हम खुद कुआारे बैठे हैं हम तो भाई कहा बताओ दे सकते हैं नहीं दे सकते संसार की कोई भी वस्तु भगवान नहीं दे सकते है क्योंकि उनके पास है ही नहीं है हाँ यदि उनके पास जो वस्तु है उस वस्तु को वो दे सकते हैं अनंत रशन, अनंत ज्ञान अनंत शोक अनन्य पीर अभ्या बाधित अग्रलगत सूक्ष्म जो अनंत गुण उसके अंदर है वो गुण भी आपको दे सकते हैं समझ में आई ना हाँ इसलिए आप कहते हैं क्या कहते हैं दुख को कम बोई लाओ सुगही गमनम समाई मरणम जिन संपत्ति हो मज्जम क्या कहते हैं जिन संपत्ति हो मज्जम हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ आप जो संपत्ति छोड़ के गए हैं छियानबे हजार पत्नियों को छोड़ कर के गए इतने घोड़ा छोड़ कर आप इन्हें कहिए जिन संपत्ति हो मज्जब ऐसे ए, ए, में बोले हो पहले तो यही कही थी जिन संपत्ति हो मज्ब हे जनेन्द्र भगवान आप जो संपत्ति छोड़ करके गए वो संपत्ति हमें मिल जाए जितने घोड़ा गाड़ी बने हैं जितने हीरा जवारत है जो कुछ भी आप तीन लोग की संपदा छोड़ करके गए वे सब हमें मिल जाए तो जब हमने कही जब बाद में आपने सुधारा है जिन गुण संपत्ति पहले तो जी कह रहे थे जिन संपत्ति हो ही ऐसा नहीं हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत तो, मास्टर रहे उन्नीस साल आ गई समझ में हे भगवान हमें जी संपत्ति नहीं चाहिए संपत्ति तो क्षण भंगुर है नस्वर है चोर लुटोरों के द्वारा लूट करके ले जाने वाली है इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे लेकिन हमें वो संपत्ति चाहिए है गुण रूपी संपत्ति हमें प्राप्त हो उस गुण रूपी संपत्ति को प्राप्त है क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो उसी का दान करता बहुत सुंदर गाता है दास विज्ञान निरोधनी जाते ध्याम योगे न कर्मणा सुर्जरा परिसहाद्य परिसहाद्य दाम में यह मिला है विज्ञान विज्ञान दासव दाश्रवस् त्रिशूल का त्रा नहीं है वो आधि सा में मिला है जैसे सह, सहस्त्र नाम नहीं है सहस्त्र नाम नहीं है सहस्त्र नाम है आधि सा में रा मिला है और हमें ऐसा लगता है त्रिशूल का त्रा बना है देखो यहाँ पे भी लग रहा है तो दासवश दास्रवस्नी जायते ध्यात्म्य योगेन कर्मणा मासु ने पढ़ो एक साथ हाँ क्या कहा परिसाध विज्ञान परिसाद माने परिसय आदि का अनुभव नहीं होता क्या परिचय बाईस प्रकार के परिचय होते हैं क्षुत पिपाशा जरा तंके, जन्मान जन्मांतक जही है ना क्षुदा है प्यास है आदि बाईस प्रकार के परिचय होते हैं इन परिचयों का अनुभव नहीं होने से आत्म योगी ने आध्यात्मिक के जो योगी रहते हैं जो आत्मा का चिंतन मनन करने वाले होते हैं उनको परिचयों का अनुभव नहीं होता है और जब अनुभव नहीं होता है परिश्रम का तो आश्रवश आश्रव को निरोधिनी माने रोक देते हैं जो नवीन कर्म आ रहे हैं उन कर्मों को वो रोक देते हैं अर्थात रोक करके संबर करते कर्मणाम किसको कर्मों की निर्जरा आंसू जाते आंसू जाते माने शीघ्रता से अब देखो यहाँ पर क्या किया परिश्रमों को अनुभव में नहीं लिया और जैसी परिश्रमों को अनुभव में नहीं लिया चाहे भूख लग रही हो चाहे प्यास लग रही हो चाहे गर्मी लग रही हो चाहे ठंड लग रही हो कुछ भी हमने ध्यान नहीं दिया परिश्रम आने होता है बाईस प्रकार की दुख परिश्रम आने होती है तकलीफ बाईस प्रकार के जो कष्ट हैं उन कष्टों की ओर हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो जो आने वाले कर्म हैं उन कर्मों का आश्रव नहीं होगा और जो पहले से बैठे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होने लगेगी और जो आने वाले कर्म हैं वे रुक जाएंगे तो आश्रय संबर और निर्जरा सब एक साथ एक ही समय में होने लगेगा और जब आश्रय और संबर निर्जरा हो जाएगी वो संपूर्ण और कर्मों का क्षय हो जाएगा तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो जो हमने आत्मा के विषय में जाना आत्मा का ध्यान किया उस आत्म ध्यान का फल क्या है तो उन्होंने कह दिया आत्म ध्यान का फल कर्मों की निर्जरा कर्मों का संबर और कर्मों का मोक्ष संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कटस्से करता संबंधा सा दि

यदात में संबंधा की दृश्य तदा।, तदा क्या कहा इसका उच्चारण समय हो गया है इसमें कहा है अहम मैं कटस्य करता है कटस माने होता है चटाई का करता हूँ चटाई जिस पर बैठे हो इस चटाई को बनाने वाले कौन है हम हैं हमने अपने आप को करता मान लिया इति ही संबंधा इस प्रकार से कर्म का और कर्ता का संबंध हो गया चटाई हो गई कर्म और बनाने वाला हो गया कर्ता तो कर्ता और कर्म का संबंध हो गया द्वोर द्वोर दोनों कैसे हैं चटाई अलग है और कर्ता अलग है चटाई कर्ता नहीं हो सकती और कर्ता चटाई नहीं हो सकती दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं परंतु यदा ध्यानम ध्यय जब ध्यान दे आत्मा एव आत्मा ही तदा मान्यता कीदृशस्थ संबंधा कैसे